आज हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट की। ये जो पेपर है बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2018 का पेपर है, एमजेपी आरयू बरेली का पेपर है ये। तो इसमें क्या है, देखिए ये पेपर 40 नंबर का होता है, 40 अंक का होता है, समय 3 घंटे होता है और सभी खंडों के उत्तर आपको देने हैं। हम सेक्शन ए की बात करते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं इसमें। और ये कह रहे हैं कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि विद्यालयी पाठ्यचर्या में से विषय क्षेत्र को लेने व निकालने के मापदंड को स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है किस प्रकार विद्यालयी विषय का सामाजिक पुनः संरचना व राष्ट्रीय विकास के साधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, स्पष्ट करो। तीसरा क्वेश्चन है गणित में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक लिखने के क्या सोपान हैं, वर्णन कीजिए। तो यहाँ 4 में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 10 अंकों का है। तो इस तरह से आपका ये सेक्शन 20 अंकों का हो जाता है। अब बात करते हैं हम सेक्शन बी की। यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। तो पहला जो प्रश्न है वो क्या है कि विज्ञान शिक्षण के इतिहास की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि डिफ्रेंशिएट अमंग करिकुलम सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। तीसरा क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में संबंधित पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। चौथा क्वेश्चन है प्रयोजनवादी पाठ्यचर्या के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं। पांचवा क्वेश्चन है एक ज्ञान शाखा अध्ययन के क्षेत्र के रूप में सामाजिक विज्ञान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी विवरण लिखो। और छठा क्वेश्चन है पाठ्यक्रम के निर्माण में पाठ्य सामग्री चयन के क्या आधार होने चाहिए। और सातवां क्वेश्चन है क्या शिक्षा एक ज्ञान शाखा अध्ययन क्षेत्र है, सिद्ध कीजिए। तो ये 4 क्वेश्चन आपको करने और एक क्वेश्चन आपका 5 अंकों का है। तो इस तरह से 20 अंकों का हो जाता है सेक्शन। तो सेक्शन ए 20 अंक, सेक्शन बी 20 अंक, तो इस तरह से कुल मिला के 40 अंक का पेपर हो जाता है। और ये 2018 का पेपर था, पेपर जो था ये 5th पेपर है। तो मैं समझता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स ये पेपर आपके लिए कहीं ना कहीं लाभकारी सिद्ध होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट जरूर